चाहे सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो, अपने आप खत्म हो जाएगा। बट मुझे और आपको खत्म करना पड़ेगा पहले। लेकिन अगर इन तीनों की, संविधान की बात करें, अहिंसा की बात करें और हिंसा की बात करें, तो इसमें आप क्या? हिंसा की बात किसने करी? हिंसा की बात करने की हम चीन के पावर से लेंगे, जो आजकल की पॉलिटिकल पार्टी करती है। एक संविधान है जो अम्बेडकर जी और एक गांधी जी, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे कुछ हो। पर हमने, हमारी फिल्म तो एक सामाजिक समस्या और उसमें आपके और मेरे क्या रोल्स हैं उस बारे में है। अब यूँ तो बहुत सारी विचारधाराएं, उस पर बैठ के हम लोग अलग तफसील में बात कर लेंगे। लेकिन अगर फिल्म के बारे में बात करें तो इसका किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कोई लेने वाले नहीं, ये आपके और मेरे बारे में। आर्टिकल 15 की बात करने हैं, रिजर्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। रिजर्वेशन इतना आसान मुद्दा नहीं है कि उसको ऐसे दो मिनट में आप एक सवाल पूछें और मैं बता दूं। बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, उसके अपने बहुत सारे प्लस हैं, उसके अपने बहुत सारे माइनस हैं। इतना आसान मुद्दा नहीं है वो कि एक सवाल में और एक जवाब में खत्म हो जाए। I agree with them totally. The reservation शुरू किसी चीज़ से होते हैं कि हम inclusive होने चाहिए towards the so-called lower sections of society. वो उसका एक मकसद था। पर हाँ, काफ़ी लोगों को इनसे problem भी है, इसलिए जैसे उन्होंने बोला काफ़ी प्लस और माइनस भी है। पर मेन मुद्दा है कि हम इंक्लूसिव एज अ सोसाइटी होना, कि जो इतने सेंचुरीज से जो डिस्क्रिमिनेशन होती आ रही है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ओके, फिल्म रिलीज होने के पहले ही बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं फिल्म को लेकर, तो इस पर क्या कहना है आपका? बड़ा अच्छा गाना था अमर प्रेम में, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम। चलो बेकार की बातों में कहीं बीच में जाए रहना। पर कहीं ना कहीं लगता है ट्रेलर को देखते ही लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं फिल्म को, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया क्योंकि काफ़ी सारे पहले भी फिल्में हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है और इस फिल्म के साथ ही ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा देश जो है वो बहुत ही एक यूनिक देश है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं और हम सेंसिटिव भी बहुत हैं अपने आप को लेकर, और हमें खुद पर बहुत गर्व होता है, हमारी कम्युनिटीज़ पर बहुत गर्व होता है, क्योंकि हम इतने डिप्रेस्ड हैं रियल लाइफ में कि हमें किसी कोई चीज़ चाहिए जिससे हम गर्व महसूस कर सकें। लेकिन इस फिल्म की मुहिम ये होगी कि हमें देश पर गर्व महसूस करना है, लेकिन हमें अंधाधुन गर्व महसूस नहीं कर सकते, हमें इम्प्रूव करना है हमारे देश को। दूसरा ये कि हाँ, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी सोचते हैं कि कुछ ऑफेंड हुए हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद उनको पता लगा ऐसा कुछ ऑफेंड किया ही नहीं हमने किसी को, या फिर आप कहना चाहते हैं कि हमने शायद सबको ऑफेंड किया, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने टारगेट नहीं किया फिल्म के। बट देन कहा जा रहा है कि जब तक कि कुछ कोर्ट से ऑर्डर नहीं आते तब तक फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, तो क्या इससे फिल्म के रिलीज कुछ भी मत कहिए? क्या बोल रही, कहाँ लिखा है, कौन सी न्यूज़? मैंने पढ़ा है आर्टिकल है बहुत सारे, और जो नहीं प्लीज पता करें आप पहले पढ़े। आयुष्मान पहली बार आप पॉप का किरदार निभा रहे हैं, पहले भी एक्ट्रेस पॉप का किरदार निभा चुके हैं, जैसे सिंघम आया, सिम्बा आया, बट वो कैरिकेचरिस्ट कैरेक्टर लगता है लार्जर देन लाइफ, बट आपका जो रियलिस्टिक फिगर है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत फ़र्क है, अलग अलग तरह के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। मैं SHO नहीं हूँ, या मैं IPS ऑफिसर हूँ, तो उसकी एक पॉइज अलग होती है, उसकी एक रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी तैयारी अलग होती है, और फिल्म का जो सब्जेक्ट है बहुत रियल है और बहुत रियल इश्यूज से इंस्पायर हुआ है। इट्स नॉट रियली कम्प्लीटली उसके ऊपर आधारित नहीं है, इंस्पायर हुआ गया है। कुछ काफ़ी इवेंट्स रोज होते हैं हमारे देश में, उनसे इंस्पायर हुए गए हैं। और जहाँ तक कि कॉप की तैयारी की का सवाल है, तो मेरे दोस्त हैं काफ़ी IPS ऑफिसर्स, उसके अलावा मैंने किसी फिल्म का रेफरेंस नहीं लिया है, किसी बॉलीवुड फिल्म को नहीं देखा है इसकी प्रिपरेशन के लिए, तो दैट्स व्हाई बहुत रियल में रखा है इसको। अनुभव जी, आयुष्मान बहुत ही हार्ड हिटिंग ट्रेलर है, उसके लिए बधाइयाँ आपको। कहा जाता है कि सोसाइटी फिल्म जो है वो सोसाइटी का आईना होती है, आपकी फिल्म कितना लोगों को उनका आईना दिखा पाएंगी और किस तरीके का एक मैसेज या लेसन देने की कोशिश होगी इस फिल्म में? आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों से पहले आप। मतलब जैसा आपको शायद ट्रेलर में भी नज़र आया होगा, जैसे आयुष्मान ने कहा भी कि बहुत सारी फिल्में ऐसी चीज़ें हैं ट्रेलर में भी आपको दिखती हैं जो पिछले कुछ समय में सुर्खियों में रही हैं, वो इस कहानी का हिस्सा है। तो हाँ, है समाज का आईना तो है,
ये बहुत ही एक अच्छा गिव एंड टेक रिलेशनशिप है हमारा समाज का फिल्मों से और फिल्मों का समाज से. कभी आप फिल्मों के जरिए समाज को कुछ देते हैं, कभी समाज से आप कुछ लेते हैं, अक्सर ऐसा होता है. लेकिन हमारा ये है कि हम समाज को दे भी रहे हैं और समाज से ले भी रहे हैं, दोनों तरीके से ये फिल्म काम होती है. जैसे सर ने बोला कि काफ़ी इंसिडेंट्स रोज देखे जाते हैं. रिसेंटली डॉक्टर पायल का जो सुसाइड था वो भी हुआ था. तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन जो है सिर्फ रूरल इंडिया में नहीं, अर्बन इंडिया में भी है. बहुत सबनल लेवल पे है कि हम खुलेआम उससे बात नहीं करते. आप डिस्क्रिमिनेट करते होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन रूरल में तो ब्लेटेंटली होता है. तो यहाँ एक पर्सपेक्टिव है जो इंसान अर्बन एरिया से रूरल एरिया में गया है वहाँ पर देखता है कि क्या हो रहा है उधर. तो ये एक पर्सपेक्टिव दिया हमें. सर आपसे सवाल करना था, इतने आपसे करना था, ये जो नायक है वो जो उसका जो कैरेक्टर आपने पोर्ट्रेट किया है वो गंगा जल के जो अजय देवगन है उसके कैरेक्टर से कितना मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी एक आईपीएस ऑफिसर है जो आता है, देखता है और करता है, तो ये उससे किस तरह से अलग है? पता नहीं मुझे, आप बताइएगा. फिल्म का टैगलाइन जो बहुत अच्छा है, बर्फ लाएंगे, उम्मीद करता हूँ सर आए भी सर. बट एक चलन रहा है बॉलीवुड का कि एक अच्छी बात, सॉरी तुमको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक आधी सफलता ट्रेलर से ये हुई है कि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं. और मैं होप करता हूँ कि फिल्म देखने के बाद हम और ज़्यादा बात करेंगे इस विषय पर और रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे. और वो रास्ते तुम्हें अपने घर में ढूंढने हैं, मुझे मेरे घर में ढूंढने हैं. हाँ सॉरी. तो सर ये फर्क लाएंगे, फर्क आएगा भी सर, लेकिन बॉलीवुड का एक चलन रहा है कि ये जो फर्क है स्टाइल को लेकर ज़्यादा आता है. अगर एक्टर बड़ा बाल रख रहे हैं तो ऑडियंस भी बड़े बाल रखते हैं, बट यहाँ मुद्दे की बात जब आती है तो लोग सीरियसली नहीं लेते, उसमें फर्क नहीं आता. बॉलीवुड का चलन नहीं है, समाज का चलन. उसको हम चेंज नहीं कर सकते. जैसा मैंने कहा मैम से शुरुआत में कि ये मेरा और आपका प्रॉब्लम है, ये देश मुझसे और आपसे बनता है. हम जैसे बिहेव करते हैं देश वैसे बिहेव करता है. तो अगर कुछ एक फिल्म जो है, देखो यार समाज बदल नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बोझ जाएगा फिल्म के कंधे पे, पर एक फिल्म इतना ज़रूर फैसिलिटेट कर सकती है कि आप एक विषय पर बातचीत करें. और उतनी ही कोशिश है हमारी, उससे ज़्यादा कोशिश नहीं है. कुछ लोगों पर असर पड़ेगा, कुछ लोगों पर इतना असर पड़ेगा कि उनका उनके कभी कभी सिनेमा से जैसे आपने कहा जीवन पर असर पड़ता है. कुछ लोग अपने बालों पर असर डाल लेते हैं, कुछ लोग अपनी सोच पर असर डाल लेते हैं. तो ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेके जाएंगे इस फिल्म से. इस कहानी में आयुष्मान बहुत ही मैचिंग किरदार दिख रहा है इसमें, तो आयुष्मान को नजर में रखते हुए आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की या स्क्रिप्ट प्लान करने के बाद? ना ना, मैं तो उल्टा आयुष्मान को बोल दिया था कि तुम मुझे दिखते नहीं उसमें, इसने मुझसे स्क्रिप्ट छीनी, बोला ये मैं ही करूँगा, कोई करेगा ही. तो इसमें आयुष्मान को मैंने कास्ट किया, आयुष्मान ने खुद को कास्ट किया. और जब शूटिंग खत्म हुई तो मुझे लगा कि यार वो क्या कमाल डिसीजन हुआ. आयुष्मान आप इसमें लार्जर देन लाइफ वाला आपका कैरेक्टर है, लेकिन आप आम भारतीयों में, आप जो दर्शकों में आपकी छवि है वो एक आम भारतीय और एक कॉमन मैन की छवि है जो बहुत अच्छी है. तो क्या इससे इस मुद्दे को जन जन तक फैलने में ज़्यादा सहूलियत होगी? क्योंकि इसमें हीरोइक वाली थीम तो है बट एक कॉमन मैन का. एज एन एक्टर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, थोड़ा मैलेबल होना चाहिए कि लोग जो नहीं सोच पाए शायद वो कर जाए. तो एक मैसेज जो है एक मेन स्ट्रीम सिनेमा के थ्रू अगर जाए तो ज़्यादा रीच हो जाती है उसकी. अगर ये फिल्म सिर्फ फेस्टिवल्स में जाए तो वहाँ पर जो लोग देख रहे हैं वो ऑलरेडी इससे सहमत हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमें सबको बराबर रखना चाहिए. लेकिन हमें ये फिल्म वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ पर सच में डिस्क्रिमिनेशन होती है और इंसान कहता है कि मैं कास्ट डिवाइड पर बिलीव करता हूँ. और जब तक वहाँ तक ये फिल्म नहीं पहुँचेगी तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा. अनुभव सर ने बहुत अच्छी बात जब हम शूट करते बोला था कि मैं चाहता हूँ कि गांव गांव जाकर हमें फिल्म दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसी इस मुद्दे पर इतनी बेबाक तरीके से बात नहीं हुई अब तक. पर जिन लोगों के पास 3 रुपए नहीं थे, 3 रुपए बढ़ाने के लिए गई थी, वो आपकी इतनी महंगी फिल्म कैसे देखेगी? सर वहाँ तक ये मैसेज आप कहाँ कैसे पहुँच जाएंगे? कोशिश करेंगे. अनुभव जी, आयुष्मान कुछ खास ट्रेनिंग? हाँ मतलब मेरा ऐसा मन तो है, वो अभी फौरन आपको मैं बताया था, पर मेरा ऐसा मन है कि मैं आयुष्मान से कह रहा था कि कुछ ऐसा वो मोबाइल स्क्रीनिंग होती है वो ले जाके गांव में खड़ी करके लोगों को दिखाई जाए. आयुष्मान आप लोगों ने एक कोशिश तो की है लोगों में फर्क लाने की, लेकिन इस फिल्म करने के बाद आप में क्या फर्क आया?
कोई चेंजेस आया आपने अगर कुछ शेयर करना चाहिए? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं और अनुभव सर शुरू से सेम पेज पर थे. सर को शायद पहले नहीं पता था कि मैं भी बहुत दलित लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, काफ़ी कास्ट डिवाइड्स पे नॉलेज रखता हूँ. उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था और मेरे लिए सरप्राइज़ था कि उनके पास एक इस इशू पर स्क्रिप्ट थी. मूल के बाद बहुत बड़ा फ़ैन हुआ सर का कि सर मुझे ऐसी कोई फिल्म करनी है. आपका सवाल था क्या आपके ऊपर कुछ चेंज? हाँ, मेरे में क्या चेंज आया? चेंज ये आया कि सर ने मुझे एक किताब दी थी जूठन, उनका पुराना वाल्मीकि, क्या नाम है, सॉरी. हाँ, तो उन्होंने एक किताब पढ़ने के लिए दी थी मुझे. तब मैं ड्रीम गर्ल शूट कर रहा था और मैंने कहा सर ये किताब बहुत हार्ड हिटिंग है और बहुत डिप्रेसिंग, मैं कॉमेडी फिल्म शूट कर रहा हूँ, मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ ये किताब पढ़ने के बाद. तो आई वॉज रीडिंग दैट बुक थ्रू आउट बाई शूटिंग फॉर आर्टिकल 15. तो उसके ये असर पड़ा कि मुझे नींद ठीक तरह नहीं आती थी. आप देखेंगे इस फिल्म के अंदर कि मैं कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, 3 दिन से सोया नहीं हूँ, और ये फिल्म में दिखाया भी गया और मुझे सच में नींद नहीं आ रही थी. आई वॉज रीडिंग सच हार्ड इन लिटरेचर और ये सर ने मुझे दी थी. सो आई थिंक ये फ़र्क पड़ता है, आपके मानसिकता में फ़र्क पड़ता है. आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ऐसा ना सोचते हो, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है. हमारे इंट्रिंसिकली हमारे ऐसे ऐसे समाज में है कि हम अलग बर्तन रखेंगे हमारे डोमेस्टिक हेल्थ के लिए. ये सिर्फ इंडिया में होता है, कहीं नहीं होता, सिर्फ इंडिया में होता है. और हम शायद मील शेयर नहीं करते अपने शॉपर के साथ, ये हम यूएस जाएंगे तो कर लेंगे. तो इट ओनली हैपन्स इन इंडिया. तो ये क्लास डिवाइड को हमें धीरे धीरे मिटाना है, इसको वक्त लगेगा, लेकिन हाँ इस बारे में सोचना मैंने शुरू किया है, वैसे ही बाकी लोग शुरू करेंगे सोचना. आयुष्मान, अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो जो भी फिल्में बनती हैं पॉप को लेकर, पॉप ड्रामा जो होता है वो बिल्कुल रियलिस्टिक रूटेड नहीं होता है. वो एक फन कैरेक्टर होता है, कॉमिक कैरेक्टर होता है, उसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती है, बैकग्राउंड नहीं होता है, ऐसे ही होती है फिल्में. लेकिन जब आप इस तरह रियलिस्टिक किरदार कर रहे थे तो मेरा सवाल यह है कि अगर रियलिस्टिक फिल्मों की बात की जाए कॉप ड्रामा की, तो मुझे अर्ध सबसे याद आती है वो पूरी की, वो लगता है कि हाँ भाई सुपर हीरो नहीं है, कॉप है, उसके अपने भी प्रॉब्लम्स हैं. आपकी नज़र में कौन सी फिल्में हैं जो जिससे आप इंस्पायर्ड हुए अगर कॉप ड्रामा की बात की जाए? ये ऐसा है कि हर एक फिल्म का एक मकसद अलग होता है, हर एक की एस्पिरेशन अलग होती है. जो आप जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं वो फिल्में मुझे देख के मज़ा आता है. मैं दबंग सिंघम देख के बहुत मज़ा आता है, सिनेमा देख के मज़ा आता है कि उनका मकसद है कॉमेडी, एंटरटेनमेंट. यहाँ पर उसके थोड़ा सा मकसद है कि एक सोशल मैसेज भी दिया जा रहा है. तो इस फिल्म की टोनैलिटी अलग है, जॉनर अलग है. और जहाँ तक कि आपका सवाल है कि फिल्म में आप दोबारा रिपीट कीजिए. हाँ, कौन सी फिल्म में? हाँ, मुझे सरफरोश देख के बहुत अच्छा लगा था, आमिर सर को, और जंजीर में बच्चन साहब को देख के अच्छा लगा था. शूल फिल्म आई थी, उसमें मनोज सर थे, उनको देख के अच्छा लगा था. तो ये फिल्में हैं जिनको देख के इंस्पायर होता हूँ एज कॉप ड्रामा. एक छोटा सा सवाल कि आप बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, बधाई हो, इतनी बड़ी फिल्म थी और इतना बोलना चाहते हैं हम इनोसेंट हैं बिल्कुल, आप देख लेंगे क्या उत्तर जाता है. आयुष्मान, और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, एक अच्छी चीज देखने को मिली अंदर इंडिया पाकिस्तान की मैच का आपने एग्जाम्पल लिया और बहुत अच्छा एक प्रोमो बनाया, ये आइडिया कहाँ से है? मार्केटिंग टीम है हमारी, कहाँ गई? शिखर हैप्पी वाले, हाँ, इसीलिए उनका ये आइडिया था. तो वो बात हो रही थी कि उसका लेके कुछ करते हैं, और वो एक्चुअली वो सच भी है ना कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस दिन अपन एक हो जाते हैं. तो जात पात की बात नहीं करते, कोई जात पात डिस्कस नहीं होती, इंडिया इंडिया इंडिया. तो इसका मतलब वो हमारे अंदर है, वो डीएनए. तो मतलब क्रिकेट से अगर हम एक हो सकते हैं तो क्या फिल्म के जरिए भी हम एक हो सकते हैं? प्यार से एक हो सकते हैं. वो फिल्म करा दे, एक क्रिकेट एक करा दे, कोई भी करा दे, सब प्यार से रहे, सब एक दूसरे को सम्मान दे. क्रिकेट सिनेमा दो ऐसी चीजें हैं, हाँ, धर्म है, कोई जात पात नहीं है यहाँ पे. हम अपनी क्रू में, कास्ट क्रू में कोई पूछता नहीं आप कौन सी जात से हैं, और क्रिकेट खेलते हुए कोई पूछता नहीं. जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको देखते हैं, ताली बजाते हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और वैसे ही होना चाहिए. कल के मैच के लिए क्या बोलना चाहेंगे टीम इंडिया को, क्योंकि वर्ल्ड कप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली है कि हम पाकिस्तान. एक तो लास्ट मैच जो रद्द हुआ उसे देख के बहुत सब दुखी है कि ये क्या हो रहा है, मतलब बारिशों की वजह से इतना बड़ा इवेंट जो है उसमें हमें फैंस जो हम जैसे हैं वो देख के बंचे चले जाते हैं. लेकिन आई थिंक जो कल का मैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा देखकर बहुत मजा आता है. बाय द वे हम दोनों कल काम कर रहे हैं. हाँ.
हाँ छुट्टी नहीं है हमारी। टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग नैना, ये आज आज जिसको दिखाया गया, यू नो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमें ओल्ड फिल्म की याद दिलाता है ये सॉन्ग, तो जब आप शूट कर रहे थे तो कितना आपको लगा कि यू नो ये भाई ओल्ड वर्ल्ड चार्म है इस गाने के अंदर, वो चाहे उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे दिखाया गया है, और पहली बार मुझे एक एक कॉप के जरिए रोमांस भी करना था जो मैं पहले कभी नहीं किया है, सो इट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। और रैप सॉन्ग भी बहुत कमाल निकल गया है, वो ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था, तो वो यूथ को आपने कनेक्ट करने के लिए वो गाना बनाया है। बिलीफ सिस्टम ये है यार कि देश को जो बदलेंगे लोग ना, जो इस किस्म की पुरानी समस्याओं का समाधान निकालेंगे वो यंगस्टर होगा, तो उससे बात की जाए। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स इस फिल्म को देखें और इससे कनेक्ट करें, बिकॉज वो लोग चेंज करने वाले हैं देश को, वो नया भारत बनाएंगे। हमारे देश की जो एवरेज एज है वो 28 वर्ष है, तो हमारा देश बहुत यंग है, और ओपिनियन लीडर्स जो है हमारे देश के यूथ ही हैं, तो यूथ ही बदल सकते हैं हमारे देश को, और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमारा आज से बना तो यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो यूथ की आवाज़ है। जितने भी हमारे रैपर्स उसके अंदर हैं, उन्होंने खुद लिखा है, बहुत हार्ड हिटिंग रैप लिखा है, और बिल्कुल आपको टच करता है, यहाँ पर चीर के चला जाता है, तो यही इस फिल्म का मकसद भी है। ये थोड़ा मुद्दे से हटके सवाल है, लेकिन बोल देते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारा ये क्या बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है ज़िंदगी में। पर यही है कि अगर आप जब आप छोटे थे जैसे आपके माँ बाप ने आपको ट्रीट किया है, बड़े होकर आपको अपने माँ बाप को वैसे ट्रीट करें, वो भी बच्चे हो जाते हैं उसके बाद, तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। किताब लिख दूं पूरी देश के मुद्दों पे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।